आज है जल जल की निगाहों में एक हाथ की ताली से भाई साहब का अपना सम्मान करेंगे। ओम शांति। ठीक है, स्टंट तो नहीं है? स्टंट तो नहीं है। ठीक है, जो कि अपनी जला देते हैं, जिसको लग रहे हैं वो भी दूर हो जाएगी। बाबा के महावाक्य, मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी वही हैं जो श्रेष्ठ योगी हैं, और भी जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वही मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। है कोई 8 घंटे योग लगाने का लक्ष्य ले सकते हैं? ले सकते हैं जो 8 घंटे योग लगाएं? बैठकर नहीं, बोलो कौन कौन करेंगे? सब नहीं, सबसे नहीं होगा। और हमें ये नहीं जानना चाहिए जब तक हमारा योग 4 घंटे ना हो, कोई भी आत्मा इस संसार में माया जीत नहीं बन सकती। माया को जीतने के लिए 4 घंटे योग और शेष 4 घंटे विकारों विनाश करने के लिए सवाल लें। अगर हमारा लक्ष्य हो तो चलते चलते 8 घंटे स्मृति स्वरूप रह सकते हैं, जो केवल बैठ कर मन को एकाग्र करना ही नहीं है, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। स्मृति है आपको कि जो राशि का खेल पूरा हुआ, अब मुझे घर वापिस चलना है, योग हो गया। इसको रटने की जरूरत नहीं, केवल फीलिंग है। आपको स्मृति है सत्युग त्रेता युग में हमने 2 युग तक देव स्वरूप में जीवन बिताए, योग हो गया। किसी भी स्वभाव में हम स्थित हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो सब योग हो गया। भोजन बनाते हुए अगर आपको 2 टाइम भी भोजन बनाना है और 2-3 घंटे लगते हैं, उसमें आप अभ्यास कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो ये योग हो गया। और भी सरल बात, चलते फिरते कर्म करते यदि हम ये याद रखते हैं बाबा मेरे साथ है, ये भी योग हो गया है। क्लियर है? यदि हम केवल ये अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है, ये भी योग हो गया है। अब बोलो 8 घंटे का लक्ष्य कौन बना सकते हैं? सब संख्या बढ़ गई। ठीक है, ये स्मृति है, केवल अटेंशन की बात है। सबसे पहले सवेरे उठकर हमारा योग सुंदर होना चाहिए। कल हमने आपको एक संकल्प दिया था, उठो तो मुस्कुराते हुए उठेंगे, योग शुरू हो गया। ये बहुत जरूरी होता है कि हम सवेरे सुंदर संकल्प करें तो कल का प्रभाव, रात का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, बीमारी का प्रभाव, व्यर्थ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरह धारण कर लें आप। सवेरे उठकर जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उतना ही व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। इसलिए केवल योग नहीं, श्रेष्ठ संकल्प भी। ठीक है, जब आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाती है तो ये उसकी संपूर्णता कहलाती है। जब आत्मा बहुत से संकल्पों में रहने लगती है
ये उसकी संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। तो सभी ऐसा लक्ष्य बनाएंगे और ये कम करेंगे। तो अब हम एक बात और करके फिर अभ्यास करेंगे, पर ऐसा अभ्यास करेंगे कि यहां से चारों ओर शांति की किरणें फैलने लगे। जब हम योग करते हैं तो हम याद रहे योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस से क्या होता है बोलो, चारों ओर प्रकाश फैलता है। चलो बस वही लेके थोड़ा कर लो, हमसे भी चलते फिरते प्रकाश फैलता है। देखो क्या क्या होगा यदि आप बहुत सुंदर योग चलते फिरते करने लगे। आप घूम रहे, मान लो ये लोन है, इसमें आप घूम रहे हैं, हवा आपसे स्पर्श करके बह रही है, तो हवा आपके पवित्र वाइब्रेशंस को लेकर बहने लगेगी। और हवा कहाँ कहाँ पहुंचेगी, सारे संसार में। ये पवित्र वाइब्रेशन हवा के माध्यम से विश्व में फैलने लगे। आप योग युग होकर चल रहे हो, आपके कदमों से पवित्र किरणें धरती में समाने लगे। तो प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है योग युग रहने से। केवल एक बार मौका मिलता है योगी बनने का, बाकी कभी नहीं। युग से बहुत योगी हुए संसार में, पर किसी का भी नाता सेवा से नहीं था। एक बार मौका मिला है उसे मेरा कहने का, ये वजह ना, ये मेरा बाबा केवल कहने के लिए है या सचमुच वो मेरा है। गीता बहन ने आपको एक क्लास करा दी है, वो मेरा है। जैसे आपको अपने अपनों को देखकर कैसी फीलिंग होती है, अपनों को देखकर, परायों को देखकर, अपनों को देखकर, दोनों में अंतर हम सब जानते हैं। पराया व्यक्ति कितना भी हम उसको प्यार करते हो, लेकिन अपनों की बात अपनी है। बाबा से भी अपना पन होने लगे, वो मेरा है। तो योगी चलते फिरते लाइट हाउस है। बाबा की मुरली ने आप सबने सुना होगा, जब तुम अशरीरी होने का अभ्यास करते हो तो सारे संसार में शांति की किरणें फैलती हैं, और जब तुम सुदर्शन चक्रधारी होते हो तो चारों ओर क्या कहते हैं, खुशी की किरणें फैलती, सुख फैलता है। ये रहस्य हैं जो स्वयं बाबा ने ही सिखाए हैं। तो हमसे एक बात और सुने, जितने कम संकल्प हमारे मन में चलेंगे, कम, उतनी ही पावरफुल किरणें हमसे संसार में फैलेंगे। सब ये सिद्धांत याद रखें। इस समय मनुष्य के मन में हर मिनट में 25-30 संकल्प उठते हैं, किसी के संकल्प ये 40 तक पहुंच जाते हैं एक मिनट में। हमें इसे धीमा करना है, 25 से 20 से 15 से 10। सतयुग में जब हम थे तो हमारे मन में 8-10 संकल्प प्रति मिनट उठते थे। अगर एक योगी आत्मा इस समय अपने मन को यहाँ ले आए कि हर मिनट 8-10 संकल्प उठ रहे, चलते फिरते काम करते, घरों में रहते, तो वो महान योगी बन जाते हैं और उनके द्वारा इस
संसार का बहुत कल्याण होता है। चले अब हम सभी सारे संसार में पवित्रता की किरणें फैलाएंगे और विशेष रूप से सब याद रखेंगे प्रकृति को हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत प्यार है। उन वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करती है क्योंकि पवित्र वाइब्रेशन से ही प्रकृति सबको प्रदान करती है। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आत्मा चमक रही है मस्तक में और शरीर है लाइट का। अलग अलग देखिए दोनों को। और मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। मैं हूँ लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता। मैं प्रकृति का मालिक हूँ। परमधाम में बुद्धि के चरणों पर चमक रही है महाज्योति। क्लियरिटी के लिए आकाश बहुत दूर ज्योति स्वरूप ज्ञान सूर्य पवित्रता के स्वर में सबसे ऊपर चमक रहे हैं। पर सर्वशक्तिवान सृष्टि को पावन करने वाले पवित्रता के सागर अब उनकी ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही
संसार को सकास देना ये सबसे बड़ा पुण्य है, जिसके जीवन में बहुत विघ्न आते हों, वे 10 मिनट रोज संसार को सकास देने लगे, वाइब्रेशन देने लगे, इस पुण्य से पाप हल्के हो जाएंगे, विघ्न हट जाएंगे। कई तरीके हैं सकास देने के, 2 तरीके अब हम अपनाएंगे। इससे पहले कोई ये बात और सबके ख्यालों में हो, बाबा ने हम सभी के संकल्पों को, स्मृतियों को बहुत महान बनाया है और कहा तुम सभी पूर्वज हो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की पूरे कल्प वृक्ष की पालना होती है। तो ध्यान दे, जड़ों के द्वारा भोजन पानी जाता है, हमारे द्वारा सृष्टि को शक्तियां, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, सुख भावनाएं सब पहुंचते हैं। ख्यालों में आ गया सबके, हमारी स्थिति केवल हमारे लिए नहीं संसार के लिए वरदान है। अगर हम बहुत खुशी में रहते हैं तो खुशी की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में रहती हैं। यदि हम बहुत पवित्र हो गए हैं तो पवित्रता का प्रकाश सारे धर्मों की आत्माओं तक पहुंचता है। यदि हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं तो सभी आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशन मिलते हैं, बल मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको करने का सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सबको पता है, इससे बड़ा काम चारों युगों में कभी नहीं कोई जानता न करता। इसलिए राधा ने कहा तुम पूर्वज हो। दूसरी बात भी ध्यान से सुन लेंगे, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका बल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। अब हम 2 तरह से योग अभ्यास करेंगे, पूर्वज बनकर। पहला, ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, ग्लोब माना धरती का गोला, जैसे श्री कृष्ण बैठे हैं ना धरती के गोले पे, हम तो धरती पर वैसे बैठे हैं। अब चित्र बनाएंगे, मैं धरती के गोले के ऊपर जैसे ग्लोब कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, मैं ग्लोब ही बोलूंगा और सभी ग्लोब पर बैठेंगे। ग्लोब पर बैठने का अर्थ है हम ग्लोब के मालिक, संसार के मालिक और सिवा सिर के ऊपर छत्र छाया, परमधाम से नीचे आकर बाबा इधर आ गए, छत्र बन गए, किरण ऐसे कर रहे, दूर तक कर रहे, नीचे कर रहे, उनकी किरणें मुझ में भी समा रही हैं, सारे संसार। संकल्प करते हैं, मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूँ, इन शक्तियों की किरणों से सभी के दुख समाप्त हो जाए, संसार का हर प्राणी सुखी हो जाए, उनके विघ्न नष्ट हो जाए। दूसरा प्रयास, ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ों ऊपर बीज उसके ऊपर नीचे फैला हुआ है। हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं हरिष्ठा, मैं पूर्वज, ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ों में कौन बैठेंगे, संकल्प करेंगे बाबा की किरणें मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। चलें, सभी बैठे
ग्लोब के ऊपर चित्र बनाए अपना अपना बिल्कुल अकेले मैं पूर्वज मास्टर सर्व शक्तिवान मास्टर दुख करता सुख करता हूं विघ्न विनाशक हूं Lighthouse, my house, song. Sarv Shaktivan, Shivala. Param Dham se niche utar rahe hain. Apni shaktiyon ki kirne charo or phailate hue. आगे मेरे सिर के ऊपर छत छते बाबा की शक्तियां सारे संसार में फैल रही हैं सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाए सभी सुखी हो जाए सबके विघ्न नष्ट हो ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं पूर्वज परिधाम से बाबा की पवित्र किरणें उस पर पड़ रही है अपनी पवित्र
मुझ में सनातन नीचे फैल गई है, सभी धर्मों को जा रही है, कल्प वृक्ष की एक एक शाखा एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। योगी बनने के लिए योग के चार पिलर्स हैं। एक तो वो पिलर हैं जो चित्रों में दिखाए हैं, वो शुरुआत में योग शुरू करने वालों के लिए हैं। हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, योगी वही बन सकते हैं। चार पिलर, पहला ब्रह्मचर्य लिखा है, यहाँ हम कहेंगे जिसके पास पवित्रता का बल हो। दूसरा पिलर, जो स्वमानधारी हो। तीसरा, जो आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करते हो। और चौथा, जिनके पास ज्ञान का बहुत बल हो। ज्ञान का बल, जैसे योग का बल है, जैसे ज्ञान हमारे लिए लाइफ है, वैसे ही योग बहुत, ज्ञान बहुत बड़ा बल ही है। मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, जिनके घरों में गीता पाठशालाएं हैं या जो टीचर हैं, सभी भाई बहनों से एक काम कराएंगे, अपने लिए ज्ञान के पावरफुल 25 पॉइंट सबको लिख कर रखने हैं, भले 50 दिन में लिखना। 25 बहुत शक्तिशाली ज्ञान के पॉइंट कैसे हैं वो, जो हमें एकदम याद करते हल्का करते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, आप उन 25 पॉइंट्स को पढ़ लो, शांत हो जाए। आप किसी बात से बहुत परेशान हो गए, आप ये सोचने लगे पता नहीं क्या होगा, वो पॉइंट पढ़ लो, मन हल्का हो जाए। कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, वो पॉइंट पढ़ लो, बेफिक्र बात समझ जाए। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट्स सुंदर बातें सभी को अलग अलग लिख के रखनी है, ये काम सबको करना है। बोलो करेंगे। ये होगा ज्ञान का बहुत बड़ा बल, इसकी बहुत जरूरत होगी। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई, गीता लैब में भी कराई, सभी आत्माओं का अब कर्मों का हिसाब किताब कौन होना है, किसी का किसी तरह, किसी का किसी तरह, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है। दूसरी, मन के सारे गौर मुझे दे दो। क्या कहा बाबा ने, कल भी आप सुन चुके हैं, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। सोच लो, याद आते हैं, पढ़ते हैं, मन हल्का हो जाएगा, ले जाओ सब बोझ। तीसरी बात, जिसका मैंने बहुत यूज किया जीवन में, इसका भी यूज किया, तुम तो केवल मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा।
बहुत बड़ी चीज है, याद रखते ही कुछ और हो जाएगा। आज आपने सबने एक संकल्प किया, जो करते रहना कुछ दिन, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, किया सभी ने, ये याद आते ही सारी भविष्य की चिंताएं खत्म। मेरे साथ ही नहीं, जिनकी आपको चिंता होती है उनके लिए संकल्प कर दो, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट्स नोट करनी है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि मन को व्यर्थ से मुक्त करना ये सहज काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए, बहुत बड़ी चुनौती है कि मन को व्यर्थ से मुक्त करो। आपको भय लग रहा है, याद आ गया बाबा हजार जहां सहित मेरे साथ है, मैं खत्म। आपको मरने से डर लग रहा है, ज्ञान होते भी कईयों को मरने से बहुत डर लगता है, याद आ गया मैं आत्मा तो मरती नहीं, और मर भी गई तो जाएंगे कहां मर के, बाबा के पास, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी बातें सबको याद कर, तो अच्छे अनुभव जानी कर लेंगे ना सर, अपना खजाना बना लो इसको। बहुत सुंदर नशे की बातें, स्वमान की बातें, स्वमान की प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, जो बिल्कुल श्रेष्ठ को शक्ति बनना चाहते हैं, तेरे तो आंखों पे आ गया भैया, थोड़ा सा मोड़ दो इधर तो सामने ऐसे कर लो, नहीं मेरी और मुख में यही रखो और ऐसे कर दो, कर लो स्वनाम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक बहुत सुंदर तरीका है सबके लिए, आपको तो वीडियो के लिए कर रहे हैं ना, आपको चेहरा क्या करेंगे, अरे मेरा चेहरा देखे क्या करेंगे। स्वनाम आप सभी कम से कम 12 समान लिखकर रखेंगे, कई सालों की हमने चर्चा कर ली है, लिखने फटाफट जो लिखना चाहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ इशारों में लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, बस लिखो मैं हूँ, छोड़ दो, मैं विजय रतन हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तीन चार शब्द है इसके लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और जिसको बहुत पावरफुल अनुभव करने हो, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, आत्मा सूर्य की तरह तेजो में चमक रही है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं प्रकृति का मालिक, मैं पूर्वज, बाप समान है। अरे ने कैसे प्रैक्टिस में लाना है, मैंने आपको संकल्प दिया, जो बहुत सुंदर अनुभूति चाहते हैं, जो अपने चित्त को शांत भी करना चाहते हैं, और उसे बहुत महान विचारों से भरना भी चाहते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। दुनिया में आज तक जो योग सिखाए लोगों ने द्वापर युग से, उसमें एक ही लक्ष्य था, मन को पूरी तरह शांत करो, जीरो कर लाओ, आज तक भी यही सिखाते हैं लोग, श्वासों पे ध्यान एकाग्र करो, मन शांत हो जाए, मन के विचारों पर ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे हो उनको शांत करो, पर कोई भी ये नहीं सिखाता कि मन को शांत करने के साथ
मन को महान संकल्पों से कैसे भरो, किसके पास महान संकल्प है भी नहीं। केवल 12 न्यास पर हमने महान संकल्प किए हैं। तो देखो कैसे करेंगे, टीचर बहन अपनी अपनी क्लास में कराएगी कि दरअसला वाले भी कराएं। पहला समान लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे तो घर में काम करेंगे 10 मिनट देकर। मैं एक महान आत्मा हूं, अभी आपने लिख लिया। अब इसे 2 बार बहुत गहनता से पढ़ना है। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। तीसरी बार फिर, 2 युग मैंने देव कुल में व्यतीत किए, मैं महान हूं। चौथी बार फिर, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। समझ के क्या करना है, यह अंदर चला जाए, अंतर मन से रिजेक्ट न करते, बाहर न फेंकते। सत्सर मैं हूं, 21 दिन ये व्यक्ति साथ कर ले जरा, सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी, सोई हुई महानताएं जग जाएंगी, छुपी हुई पवित्रता बाहर आ जाएगी, सारे सद्गुण जीवन में सहज आने लगेंगे। 21 दिन करके देखो, छोटा सा अनुभव। बहुत साल पहले गुजरात से एक युवक मेरे पास आया, कुमार वो कहा, उसी ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा मेरे पास बहुत समस्याएं आ गई हैं, मुझे 1 घंटा चाहिए आपसे डिस्कस करना है। मैंने उसे कहा कि आज तो मेरे पास 1 घंटा नहीं, कल आप मिलना मेरे से और तब तक एक काम करके लाओ, 50 सोनान के पॉइंट्स लिख के आना। वो अगले दिन आ गया 50 सोनान के पॉइंट लिखकर। मैंने पूछा अभी 1 घंटा हमारे पास है, बोलो आपकी क्या समस्या है। उसका उत्तर था क्या होगा, मेरी कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है, समस्याएं कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, छोटी छोटी बात हमें समस्या लगती है। और जो लोग लंबा समय व्यर्थ में रहे हैं, जो निगेटिव विचारों में रहे हैं, जिन्होंने पाप थोड़े ज्यादा कर लिए, उनकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो गई हैं, इन्हें बनाना है। और मैं आज आपको ये भी कहूंगा, सूक्ष्म पापों से बहुत बचना है। बहुत करते हैं लोग कलयुग के अंत में, सबने किए हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत करते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा था, ध्यान से सुन लो क्या कहना पड़ा था, तुम्हें 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने में समय नहीं लगता, पर ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विक्रम होते हैं उन्हें नष्ट करने में बहुत समय। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को कटु वचन बोलकर डिस्टर्ब कर देना, टकराव में रहना, अहंकार और क्रोध में रहना, मैपन में रहना, ये सूक्ष्म पाप कर्म कराते हैं। मैं से बहुत कठिनाई होती है, पाप होते रहते हैं, स्वार्थ बहुत पाप कराता है। और आजकल तो बहुत बढ़ रहा है कलयुग में, दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कराते हैं। इसके डर मर जाए बच्चे, मेरे बच्चों को सारी जमीन मिल जाए, माताएं बहुत कर रहे हैं। फिर मेरे पास फोन आते हैं, माताएं बोले ना मैं नाप नहीं कर रहे, तो दुनिया में बहुत कर रहे हैं महापाप। मैं एक माता की सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ महाराष्ट्र की। मुझे भी उससे नशा चढ़ गया था, कोई कोई हमें भी नशा चढ़ाने वाले मिलते हैं। कहा हम 2 भाई, उसका पति और जेठ, वो जो बड़ा है वो बहुत तेज पड़ा। उसने कुछ सुनाई कहानी, मेरा पति बहुत साधारण भोला, हम सब ज्ञान में, वो बड़े वाले नहीं।
उसको संपत्ति का लालच, उसकी और उसकी पत्नी को। उन्होंने शहर के बीच में जो बड़ी दुकान थी वो खुद ली, हमें छोटी सी दुकान किनारे वाली दे दी। जो बड़ा घर था वो खुद लिया, जो सिंपल बिल्कुल छोटा था वो हमें दिया। हम बाबा के बच्चों के तीन साल से हमने संतोष किया, पर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और समझदार, वो बड़े नाराज हुए, वो गुस्सा करने लगे, तुम क्यों ये कम ले रहे हो। मैंने उन्हें कैसे समझाया बच्चों को, सुनो एक साधारण माता की कहानी, इतनी सुंदर बात है। उसने कहा, मैंने अपने बच्चों को समझाया, पति तो पहले समझदार था, बोला जो चाहे ले जाने दो। मैंने अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने संपत्ति का ही तो ज्यादा हिस्सा ले लिया, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है। नहीं लगी अच्छी बात? ऐसी समझदार माताएं। पर देखो क्या हुआ, तीन साल में इनकी किनारे की दुकान तेज चलने लगी, उनकी बीच की भी दुकान डल होने लगी। तीन साल में वो भी बन गए बैगर, उनके बन गए सौकार, और वो फिर आ गया। तीन साल में नहीं आया था, भाई ये परिस्थिति आ गई, मुझे मदद चाहिए, कर्ज दे दो, इसके बच्चे तो गर्म हो गए, देखते इसको निकालो यहाँ से। तो देखो इनकी महानता, फिर ऐसी माताओं पे भगवान को गर्व है, ऐसी माताएं भारत की श्याम है, वही इस देवियां हैं जिसने कहा नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने अपना काम किया था, हमें तो बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, दे दो जो मांगते हैं दे दिया, का कर्ज नहीं ले जाओ, ऐसे ही हमारी ओर से मदद, आप हमारे बड़े भाई हो। ये महानताएं विचार, जिसके पास विचारों का धन है उसके पास धन की कमी नहीं रहती। सभी नोट कर लें, सभी अंडरलाइन करके नोट कर लें, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे इस फुल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। जो भी कमा रहे हैं सब ध्यान से सुन रहे हैं, ज्ञान धन बहुत है इस फुल धन आएगा। और रोज सवेरे उठकर भूलना नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान। गरीब बिल्कुल नहीं समझ लेना अपने को, माता ने तब की है या गरीब कोई बैठी है माता है, तो कहो कोई गरीब माता बैठी हो, एक बैठी हो, दो और उठाओ हाथ में सौदार बनाए, तीन चार उठाओ उठाओ उठाओ, ऐसे कर लेते हैं उठा लिया। कल से संकल्प करने लगो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। पांच पांच बार उठते ही करना, सोते करना, दिन में करना, इस कमजोर संकल्प को मन मंदिर से बाहर फेंको, मैं गरीब हूँ। तो संकल्प निकालो अपने मन मंदिर से, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, जिन्होंने बाबा की छत्र छाया ले ली हो वो सुरक्षित भी रहेंगे, उन्हें सब कुछ मिलता भी रहेगा। देखो विनाश काल आएगा, विनाश काल कैसा होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन लोग धन इकट्ठा करते हैं, मैं जब पहली बार विदेश में गया तो बहुत सारे विदेशियों ने कोई कोई अपने घर ले जाते थे, तो अपने घर में बहुत सारी पानी की बड़ी बोतलें खाली और पानी के खाली केन रखे हुए थे, समझो 50। मैंने पूछा ये क्यों रखे हो, है यहाँ देखो ना, कि नहीं ना सोगा ना, हम इसमें पानी रखते रहते हैं। कई विदेशियों को ये भी बहुत नशा चढ़ता था कि जब विनाश होगा हम मधुबन में भाग जाएंगे। मैं तो जानता हूँ ये तो बाबा अपने बच्चों को जरा शांत होना देने के लिए कहता है, भला करोड़ों लोग बाबू में कैसे भाग जाएंगे, रहेंगे कहाँ।
पानी भी नहीं मिलेगा। सत्य क्या है? कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि पैसा बहुत काम आएगा। सबको पक्का समझ लेना चाहिए, ना धन काम आएगा ना जन काम आएगा, बाबा और अपनी स्थिति। धनवानों को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, उनका निश्चय भी डाउन होगा फटाफट। जिसने अपनी स्थिति अच्छी बनाई होगी वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। इतने मरेंगे नहीं, मरना तो सबको अगर जाना है, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी, बिना कष्ट के होगी। इसलिए ध्यान देना है बहुत स्थिति पर, सर्वशक्तियों पर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति पर। बहुत कह दिया था, जिनके पास आठों शक्तियां होंगी विनाश काल में उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, और जिनके पास शक्तियों की कमी होगी उन्हें उतना ही कम मिलेगा। बहुतों के साथ ऐसा होगा, नहाने गए पानी की टंकी खाली, और जो योगयुक्त हैं उनके साथ ऐसा होगा, पानी की टंकी खाली थी, नहाने गए पानी चालू हो गया। अंतर दिखाई देगा। जिनकी स्थिति खराब होगी वो जब सड़क पर जा रहे हैं सड़क फट जाएगी, अंदर चले जाएंगे, और जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो जब घर आ जाएंगे तब सड़क फटेगी। ये खूब दिखाई देगा, रोज चमत्कार होते रहेंगे कि जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई है उनका स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। चाहो एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों की रिसर्च आपके सामने है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी एक साल पहले। आप सब जानते हैं जब भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो तीर्थ स्थान हैं वो काफी सुरक्षित रहते हैं। पीछे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना बद्रीनाथ में, आपने सुना होगा पानी इतना तेज बह रहा था कि सब कुछ नष्ट करता जा रहा था, लेकिन पानी के साथ बह के एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जो मंदिर के उस तरफ आके रुक गया, और वो पानी का बहाव देखा दोनों तरफ बच के चलने लगा, मंदिर सेफ हो गया। बहुत अच्छा न्यूज था ये। तब तो वैज्ञानिकों को ये काम दिया गया कि क्या कारण है ये अच्छे स्थान पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं, तो उन्होंने जो रिसर्च करके परिणाम दिया वो आप सब सुन लें। पढ़े लिखों को बहुत काम आएगा दूसरों को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे फैलती हैं, चार बहुत फैलती रहती है, और जो विनाश की तरंगे विनाश में भी तरंगे उठती हैं। देखा होगा जब धरती हिलेगी भूकंप होते हैं तो भड़काहट होती है, तरंगे फैल जाती हैं। आप सबको पता है चूहे बिल से निकल कर भागदौड़ करने लगते हैं, चींटियां बिल से निकल के बाहर आ जाती हैं, कुत्ते भी भागदौड़ करने लगते हैं। देखा हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, उछल कूद करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, ये विनाश की तरंगे चलने लगती हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि ये पवित्र तरंगें जो पवित्र स्थानों से निकल रही हैं वो विनाश की आने वाली तरंगों को रोक कर वापिस भेज देती हैं, इसलिए ये पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। अब आप सोचो हम में से कोई ये आत्मा जो बहुत पवित्र है जिस स्थान पे होगी उसके पवित्र वाइब्रेशन विनाश के वाइब्रेशन को रोकते रहेंगे, तो एक पवित्र आत्मा हजारों लोगों के लिए छत्र छाया बन जाएंगी। क्लियर है ना? इसलिए महत्व स्थिति का है, न धन का, न जन का, न साधनों का, ये सब रखे रह जाएंगे। विज्ञान के बारे में बाबा ने बहुत सुंदर गहरी बात कही थी, ये विज्ञान धीरे धीरे रिफाइन होता जाए।
डिफाइंड परफेक्ट संपूर्ण होगा विज्ञान। जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा, पहले तो इस विज्ञान का प्रयोग ईश्वरीय सेवाओं में होगा, अब हो रहा है। जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा तो ये संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण संसार का विनाश करेगा, और जो संपूर्ण संसार आएगा उसके लिए काम करेगा। तो वैज्ञानिक यही उसको विमान बनाकर लेके जाएंगे। जो कुछ शरीर में काम आने वाली चीजें हैं वैज्ञानिक उनकी खोज करके यही निर्माण करेंगे। तो ये बहुत सुंदर अवसर हमारे हाथ में है, जब हम योग की शक्ति भर कर स्वयं को महान बना लें और संसार के काम आ जाए। अब हमें फिर से बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, 10 मिनट रोज सभी को अपने को देने हैं, अलग से निकालो, आत्मा के एक एक गुण की अनुभूति करें। किया था और फिर से चलें, शांत आत्मा पर एकाग्र करें। अपना स्वरूप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, देह जैसे की है ही नहीं, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा प्रकृति की कुटिया में रहना, मैं बहुत बहुत शांत हूँ, शांत। मुझसे चारों को शांति की किरणें चल रही हैं, किरणें चल रही हैं। मैं शांत, मैं बहुत सुखी हूँ। बालक को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बालक का प्यार पाकर मैं आत्मा निहाल हो गई उसके प्यार में, मेरे सभी कष्ट हो गए, मेरे चित्त में संसार की सभी आत्माओं के लिए बहुत प्यार है, मेरा चित्त प्रेम और सुख भावनाओं से भरा हुआ है। मैं परम पवित्र, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं।